हमारे चैनल बोल फटाफट में। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाई 8 और 9 जुलाई को जो है मुनावर भाई का डोंगरी टू नोवेयर जो है दोबारा से दिल्ली में होने वाला है। और ऐसे में कब बोलूं तो भाई एक ईदी जो है दिल्ली के लोगों को मिलने वाली है 9 जुलाई को। तो ऐसे में मुनावर भाई जो है मुंबई एयरपोर्ट पर जो है दिखाई दिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाई मीडिया और कैमराज वो हमेशा मुनावर भाई को ढूंढते रहते हैं कि जहां कहीं मुनावर भाई दिखे वो उनको जो है कैप्चर कर ले। तो ऐसे में मुंबई एयरपोर्ट पर जब मुनावर भाई खड़े हुए थे और सदाकत भाई का इंतजार कर रहे थे, ऐसे में जो है मीडिया वहां पर पहुंची और उन्होंने जो है सवालों की बौछार मुनावर भाई के ऊपर कर दी। उन्होंने सबसे पहले मुनावर भाई से पूछा कि कल आप जो है गए थे प्रीमियर पर, थोर के प्रीमियर पर आप गए थे, तो आपको कैसा लगा? तो मुनावर भाई ने बोला कि भाई मैं वहां पर जो है आशीष चंचलानी से मिला और वहां पर जाकर मैंने बहुत इंजॉय किया और मुझे जो है बहुत अच्छा लगा वहां पर जाने के बाद। फिर वहां पर मीडिया ने पूछा कि भाई कोई छोटी सी हमें शायरी सुना दो। तो उस पर मुनावर भाई जो है शायरी सोचने लगे। फिर उन्होंने बोला कि भाई मेरे फोन्स में जो है पुरानी शायरी पड़ी है और मैं पुरानी शायरी जो है वो दोबारा से रिपीट नहीं करता। फिर वहीं पर मीडिया ने जो है एक और सवाल मुनावर भाई से पूछा कि भाई हेटर्स के लिए कुछ बोल दो। अब वही बोलती हूँ ना कि हर बार मुनावर भाई जो है अपने फैंस का दिल जो है वो एक बार फिर से जीत लेते हैं। हेटर्स के लिए मुनावर भाई ने बोला वेलकम होम। वहीं पर जो है पता चलता है कि ये बंदा जो है अपने हेटर्स से भी नफरत नहीं कर सकता। वहीं पर मुनावर भाई से पूछा गया कि भाई पहले आपको कोई सपोर्ट नहीं करता था, अब आपको लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो इस पर मुनावर भाई ने बोला कि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ मिला है वो बस ऊपर वाले की मेरे ऊपर रहमत है, ऊपर वाले की वजह से मुझे जो कुछ है वो सब कुछ मिला है। तो इतना हम्बल ये इंसान है और हर सवाल का जवाब जो है इतनी कामली देता है। और जिस तरीके से मुंबई एयरपोर्ट पर बैठकर जमीन पर बैठकर वो पानी पी रहे हैं, तो एक होता है ना कि सेलिब्रिटी वाला तो एटीट्यूड जो है वो मुनावर फारूकी में कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई देता। तो गाइस इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल बोल फटाफट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।